टॉप 3 स्मॉल सर्वाइवल आइलैंड सीड्स फॉर माइनक्राफ्ट 1.119 एंड जो सीड्स हैं वो इतने ज्यादा डरावने हैं कि आप उन पे एक रात भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपने इसमें एक डे भी सर्वाइव कर दिया तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड मैं आपको कम्युनिटी पे लगा दूंगा। आइलैंड नंबर 1, तो युवाल आइलैंड जो ये काफी ज्यादा छोटा आइलैंड है। तो युवाल आइलैंड पर ना तो आपको यहाँ पर कोई ट्रीज देखने के लिए मिलेगा ना ही दूसरी चीजें देखने के लिए मिलेंगी जिससे आप अपने यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। तो सिर्फ आपको यहाँ पर अपने कुछ सैंड ब्लॉक एंड कुछ डर्ट ब्लॉक देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं तो यार आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि यार रात होने से पहले ही अपना एक छोटा मोटा बेस बना लो डर्ट ब्लॉक से ही, क्योंकि भाई अगर रात हो गई तो आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, आप भाई इस पे एक रात भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आइलैंड नंबर 2, तो सेकंड आइलैंड पे यार आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रीज देखने के लिए मिल जाते हैं, बट ये मत समझना कि यार आपको इस पे सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि कहते हैं ट्री से ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप यार इसमें रात के टाइम स्पॉन हो गए तो ये आपको कोई डरावने सपने से कम नहीं लगने वाला, क्योंकि भाई फर्स्ट तो आपको यार ये वाले आइलैंड पे इतने सारे मॉब्स देखने के लिए मिलेंगे, इसके ट्रीज की वजह से आपको यहाँ पर एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि आपको शुरू में ना तो यहाँ पर आपको लाइट मिलेगी जिस वजह से आपके यहाँ पर काफ़ी सारे मॉब्स स्पॉन हो जाएंगे। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप बाहर भी जाओगे तो आपको समुद्र में काफ़ी सारे ड्रोन का सामना करना पड़ेगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा डरावना आइलैंड है, पे यार सोच समझ के सर्वाइव करना। नंबर थर्ड में आप यहाँ पर स्पॉन हो जाते हो और आपको देखने के लिए मिल जाता है अपना काफ़ी ज़्यादा बड़ा आइलैंड। सो आप इसको बड़ा आइलैंड भी कह सकते हो या फिर आप इसके आइलैंड के छोटे छोटे टुकड़े भी कह सकते हो। तो अभी आपको यही लग रहा होगा कि यार इस पे तो हम काफ़ी ज़्यादा इजीली से सर्वाइव कर पाएंगे, बट गाइस अगर आप इसको देखोगे तो ना तो आपको इसके ऊपर फूड देखने के लिए मिलता है एंड ना ही दूसरी चीज़ें, बट अगर आपको फिर भी लगता है कि आप इस पे सर्वाइव कर सकते हो तो आपके लिए यार इसी आइलैंड के जस्ट फ्रंट में एक और छोटा सा आइलैंड देखने के लिए मिल जाता है जो कि यार काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। तो इस पे सर्वाइव करना तो भाई लिटरली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड अगर उससे भी छोटा चाहिए तो बिल्कुल आपके बिल्कुल जस्ट बराबर में एक और आइलैंड है जिस, और अगर इससे भी छोटा चाहिए तो आप यार एक काम कर सकते हो, युवाल आइलैंड को बिल्कुल ख़त्म करके सिर्फ एक ही ब्लॉक रहने देना एंड उसको सर्वाइव करना, और अगर सर्वाइव कर लो तो मुझे कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। तो होप यू गाइस एंजॉय दिस सीड्स, इफ यू डिड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड इफ यू आर न्यू हिट द सब्सक्राइब बटन। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।